आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिंडे की चटपटी मज़ेदार सब्ज़ी। सबसे पहले आप कुकर चढ़ाएंगी, फिर उसमें तेल डालेंगी, फिर उसके बाद आप ज़ीरा डाल देंगी, ज़ीरे के बाद फिर गरम मसाला डालेंगी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी, फिर उसके बाद थोड़ी सी हींग डालेंगी, फिर उसके बाद प्याज डालेंगी, जब प्याज ब्राउन होने लगे उसमें टमाटर और हरा मिर्चा डाल देंगे। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा कुटा मिर्च डालेंगे, थोड़ा पिसा गरम मसाला डालेंगे, इसको धीमे आंच पे करके थोड़ा, जब धीमे आंच पे कर देंगे थोड़ा गलने देंगे। देखिए अब टमाटर गल चुका है, थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अब इसमें हम आलू और टिंडे की सब्ज़ी डालेंगे। फिर उसके बाद ये चला दिया जाएगा, इसको ऐसे चलाती रहें। अब इसको आप तल लीजिए, खूब अच्छे से तल लीजिए। जब ये खूब अच्छे से तल जाए तब ये देखिए हमारा तल चुका है। अब इसमें आप पानी डाल दीजिए, पानी इतना डालिए ये गल जाए, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। अब इसको आप इसका आप ढक्कन बंद करके सीटी लगा लीजिए। अब देखिए मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, इसको आप देखिए, ये मेरा टिंडा भी हो चुका है और आलू भी हो चुका है, बहुत शानदार सब्ज़ी लग रही है। इसको आप अब ये देखिए, ये आलू और टिंडे की लाजवाब सब्ज़ी तैयार है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, और इसको गरम गरम चपाती के साथ आप सर्व करें।